भाग्योदय। चलायमान होता है तो चलता रहता है।
और आप काम करने
आपकी राशि में आ गए, तो ऐसे में जो आपके सारे साथी चल रही है थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं आप। ऐसे में आप सिर को बचाएंगे, आर्थिक तनाव बढ़ेगा, कुछ आर्थिक पीड़ा हो सकती है, व्यापारिक में तमाम दिक्कतें आ सकती है, कहीं चोट चपेट लग सकता है, अचानक धन की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, यात्राएं हो सकती हैं, आप विदेश यात्रा हो सकती है, लघु यात्राएं हो सकती है, इस तरह के योग बने हुए हैं। और बेहतर अच्छे परिणाम के लिए आपको चाहिए कि आप गुरु संतुष्ट कर, पहले गुरु आपकी माँ माता के पैर छूए या पहला माने, दूसरे गुरु आपके पिता तो उनको भी संतुष्ट रखें, तीसरे गुरु आपको जो ज्ञान देते हैं उनको संतुष्ट करने पर आपको लाभ मिले। आप गायत्री मंत्र का पारायण करें, अर्थात गायत्री मंत्र कम से कम 24 मंत्र तो जरूर ही पढ़ें आप। ऐसा करेंगे आपका दिन बहुत बेहतर होगा, अच्छे परिणाम होंगे, आपके प्रत्येक कार्य में आसानी होगी, आप उस कार्य को कर पाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे आप, तो आप समाज में, परिवार में, राष्ट्र में एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो गायत्री मंत्र को कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि मंत्रों में गायत्री मंत्र भगवान ने गीता में कहा है, तो गायत्री मंत्र आपके लिए कामधेनु है, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मकर राशि के जातक चीजें बेहतर हो रही है, धीरे धीरे आर्थिक सुधार हो रहा है, पारिवारिक हो रही है, बेहतर परिणाम हो रहा है, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। और आपको और बेहतर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी है और शनिदेव की उपासना करनी है, ऐसा करने पर बहुत अच्छे परिणाम होंगे, आने वाले दिन आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन अचानक बना हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी शनि इस समय तो वो विस्तृत में है, लेकिन 26 को जैसे ही वो चेंज होगा, आ जाएगा धनुराशि, तो तीसरे भाव से आपको देखेगा और ऐसे में आपको आर्थिक रूप से बहुत समृद्धवान बनाने आ रहा है। तो स्वस्थ कुंभ राशि वालों को बहुत अधिक धन की प्राप्ति, आर्थिक विषमता दूर हो जाएगी, अगर आप एक कर्ज आदि लिए हैं तो दूर हो जाएंगे, साथ साथ में आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, माता से लाभ होगा और तमाम चीजों की प्राप्ति आपको होगी, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। लेकिन शरीर पर ध्यान देना, आपके सिर से संबंधित व्याधि हो सकती है, बैकबोन संबंधित समस्याएं हो सकती है, उधर विकार भी हो सकते हैं, यात्रा का योग बेहतर है, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, उन्नत की चांसेस है और आपको नए मित्र मिल सकते हैं, पुराने बहुत सारे जो विश्व गए हैं तो वो भी मिल सकते हैं, इस तरह के लाभ का योग बना हुआ। आपको हनुमान जी के शरण जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, साथ साथ काल भैरव की भी उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि के जातक आपके राशि का स्वामी गुरु आपको सप्तम भाव से देख रहे हैं, थोड़ा तनाव की मुद्रा में आप हैं, छोटी यात्रा का योग भी बना हुआ है, आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपके हिंदू विज्ञान योग प्रारंभ हो जाएगा 26 से, ऐसे में आपके अंदर बहुत ज्यादा विज्ञान कौशल का विकास होगा, आप आने वाले दिनों में परिवार को समाज को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ रही है, रिजल्ट होंगे और आप इस वर्ष बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, गायत्री मंत्र हल्दी की माला से एक माला नित्य जाप करना है, बहुत अच्छे बेहतर परिणाम आपको मिलेगा।